तो फ्रेंड्स, व्लॉग शुरू हुआ इडली के साथ। इडली कढ़ाई चढ़ा दी मैं, इधर बैटर रेडी हो गया, रात से बना के रखी थी, थोड़ा फूला हुआ है, फेंट लेते हैं अच्छे से। फिर उसको इडली, ये इडली मेकर है, उसमें बस थोड़ा सा ऑयल ब्रश करके इसको, बैटर को इसमें डाल के बस इडली कढ़ाई पर चढ़ा देंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 15-20 मिनट में हो जाती है। तो इसके साथ फिर चटनी चाहिए, चटनी मैंने उसी बीच में इसको चढ़ा के चटनी में तैयारी कर दी। फ्राई कर देना है धनिया और दाल, और उसको फिर मिर्ची के साथ नमक मिर्ची ऐसे ही उसको पीस लेना है। ऐसे ही अरेंज करना है बैटर को इडली स्टैंड पर। और ये चटनी पीस के बन गया है, उसका छौंका लगा दिया है, इडली भी उसी बीच बन गई। तो खाना नाश्ता हो गया, अभी घर का काम। ये जो दीवान पड़ा हुआ है ये ऐसे ही पड़ा रहता है, जो भी सामान आता है उस पर फेंकते रहते हैं, और ये पड़ा रहता है, गंदा रहता है। उसका सामने में जो टेबल है उस पर खाना पीना सब चल के गंदा होता है। ये अमेज़ॉन से मेरा एक बुक आया है, उसको मैं सैनिटाइज्ड नैपकिन से पोंछ के रख दी। अभी टेबल को मैं अच्छा से पोंछ रही हूँ, क्योंकि कोई भी बाहर का चीज़ आता है वो सब टेबल पर पड़ा रहता है। तो अभी जैसे कोरोना का टाइम है तो थोड़ा केयरफुल बनता है होने के लिए। तो ये सब देखिए, बेड पे सोफ़ा का कवर निकालना है आज, क्योंकि ज़्यादा गंदा हो गया है। और बेड तो ऐसे ही उस पर टेबल, मतलब टेबल पर पेन वैन और ऐसे ही पड़ा रहता है, जब जिसको जो चाहिए ले लेते हैं, फिर उसको फेंक के रखते हैं। दो ही जन हैं हम लोग घर पे, लैपटॉप का बैग उधर पड़ा है बेड पे, और इधर मेरा चेकबुक पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें, हाँ अभी मैंने झाड़ लिया है बेड को, तो थोड़ा साफ लग रहा है। उधर कोने में ब्लैक बैग, ये लैपटॉप बैग ऐसे पड़ा रहता है, लैपटॉप निकाल लेते हैं, लैपटॉप बैग पड़ा रहता है। तो बैग को बैग का जगह में रखी, लैपटॉप को लैपटॉप का जगह में रखी, तो ऐसे नहीं रखेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। और ये दीवान का कुशन सारे जो है, जहाँ बैठते हैं सोफ़ा पे, इधर उधर फेंक के रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी अरेंज नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो पहले बेड को अच्छा से झाड़ के थोड़ा साफ उफ कर लेना है, उसके बाद सोफ़े का कवर ववर वो सब चेंज करना है। तो यही काम है, हर जगह थोड़ा धूल जल्दी ही जमती है, टीवी पे भी धूल जम गया है, उसको भी करना है। और वैसे ही तो आज मैं कवर थोड़ा चेंज कर ली, फिर अभी धोने का काम बाकी है, उसको वॉशिंग मशीन चलाना पड़ेगा किसी दिन, आज नहीं चलाऊँगी। तो जो भी हो, कवर डाल दिया, थोड़ा साफ़ लग रहा है, बेड झाड़ दिया तो थोड़ा साफ़ लग रहा है। और ऐसे ही एक एक दिन में एक एक काम करना है। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया व्लॉग्स। तो सुबह का काम तो काम होता है, और इतना काम होता है वो दिखा नहीं पाएंगे, और अगर वो दिखा के काम करेंगे तो कोई काम भी नहीं होगा। तो इसीलिए कैमरा वैमरा सब ऑफ हो गया, और थोड़ा बहुत अभी ऐसे ही सोफ़ा को थोड़ा अरेंज कर रही थी, उस पर वो जो उसका कवर ववर थोड़ा गंदे हो गए थे, वो साफ़ करने के लिए निकाल दी। और खाना बनाना हो गया, तो खाना बनाना तो बहुत सारा होता है, तो इसीलिए किचन में पूरा दिन चला जाता है। तो जो भी हो, खाना वाना सब बन गया है, और काम वाम सब हो गया है, बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा काम करते हैं हम, ज़्यादा नहीं करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा काम शेयर किए, और ये सब काम अभी मुझे ही करना है, क्योंकि अभी जो थोड़ा कोरोना फैल रहा है, इसीलिए मेरी काम वाली जो करती है वो नहीं आती है। तो अभी वो नहीं आती है, और मुझे खुद भी, मैं थोड़ा बीच में, मतलब मेरा सेहत ख़राब हो गया था, तो इसीलिए मैं भी उसे बुला नहीं रही थी। तो जो भी हो, काम तो करना ही है। इंडियन हाउसवाइफ, बिजी मॉम, बिल्कुल सही, बिजी हाउसवाइफ। और इसी बीच बन गया खिचड़ी, खिचड़ी चढ़ाई थी मटर के साथ, और इसको बना दी जल्दी से। और इधर बुद्धा जो है ना, वो गंदे होके पड़े थे, तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसीलिए बुद्धा को आज मैं थोड़ा साफ़ उफ की, और चेयर भी धूल हो गया था तो उसको थोड़ा साफ़ उफ की। साफ़ नहीं करेंगे तो, मतलब वो धूल में उसका एक, ये एक फाउंटेन है, उसका पानी आता है, मैं दिखाई हूँ कई बार, देखिए कैसे धूल निकल रहा है।
तो ज़्यादा धूल हो गई थी इस पर, तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे धूल धूल रहने से कहीं भी। तो चाय कोई भी करे, अभी वो नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि धूल को ऐसे ही जमने देंगे। तो मैं थोड़ा साफ़ कर रही हूँ, अभी वो फिर से आने लगेगी तो ज़्यादा गंदा नहीं होगा, वो भी साफ़ कर लेगी। तो जो भी हो, इसको ऐसे सैनिटाइज कपड़ा से मैं साफ़ कर रही हूँ, ईजी होता है। सूखा कपड़ा से अच्छा नहीं लगता है, ये सैनिटाइज्ड है, वेट है थोड़ा, तो थोड़ा वेट है तो धूल निकल जाता है और अच्छा से साफ़ एक बार चला देने से साफ़ हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मैं स्विच ऑन कर दी और उसका फाउंटेन चलाने दी, अभी पानी गिरने लगा है, आपको दिख रहा होगा। तो ऐसे पानी गिरता है तो उसका एक कलकल आवाज़ आती रहती है, तो अच्छा लगता है सुबह सुबह इसको देखने के लिए, अच्छा लगता है। ये हम लोग का डेली रूटीन, इसको साफ़ करो, उसको साफ़ करो, घर को साफ़ करो, दिन भर घर का काम करो, खाना बनाओ, कपड़ा सहजो, और बहुत सारे हैं, उसका नाम नहीं ले सकते हैं, एक एक करके कभी कभी दिखाएंगे। तो बस यहाँ अभी ओडिशा में कोई ठंड वंड नहीं है, बहुत गर्मी होने लगी है। अभी मैं जो इतना सारा काम करके अभी फ्री होके थोड़ा आराम से थोड़ा बैठ गई और आप लोगों से बातें कर रही हूँ। अभी मुझे गर्मी लगने लगी है और काफ़ी गर्मी अभी थोड़ा यहाँ होने लगा है, धूप तेज़ होने लगा है, तो ऐसे वो जो ठंड थी वो नहीं है, तो इसीलिए अभी थोड़ा काम कर सकते हैं। तो रात को थोड़ा ठंड होती है, थोड़ा शाम होने का बाद थोड़ा हवा चलती है, थोड़ा ठंड वैसे होती है, लेकिन दिन में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यही सब है आज का काम, आज का रूटीन मैंने शेयर कर लिया है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू एंड बाय बाय।